आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही है न्यूज 30 एक्सप्रेस। देश विदेश से खेल मनोरंजन और राजनीति जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। योगी की पुलिस हुई बेलगाम, गुंडों की तरह बर्ताव कर रही पुलिस, योगी जी की बदतमीज झांसी पुलिस, यूपी पुलिस की साख पर बट्टा लगा रही झांसी पुलिस, अफसरों की बात नहीं मानती झांसी पुलिस, व्यापारियों पर लाठियां भांजती झांसी पुलिस, डीएम के आदेश को नहीं मानती झांसी पुलिस, डीएम की गाइडलाइन के अनुसार खुली दुकानें बंद कराने पहुंची पुलिस, व्यापारियों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक, व्यापारी नेता ने लगाए पुलिस पर आरोप। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मोट कस्बे का है, जहां जिलाधिकारी की गाइडलाइन के अनुसार 8 बजे से 5 बजे तक सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए दुकानें खोलने की अनुमति दी गई और कस्बा मोट का बाजार खोला गया। तभी अचानक पहुंची पुलिस ने खोली दुकानों के दुकानदारों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। देखते ही देखते मोट कस्बे के तमाम दुकानदार और व्यापारी एकत्रित हो गए। उसके बाद व्यापारियों ने जिलाधिकारी द्वारा दी गई गाइडलाइन और सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से गाइडलाइन के बारे में पुलिस को बताया, जिस पर पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे उच्च अधिकारियों से ऐसी कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं आई है और हम जिलाधिकारी की ऐसी कोई गाइडलाइन को नहीं मानते। जिसके बाद काफी देर व्यापारी और पुलिस के बीच नोकझोंक होती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस मजबूर होकर वापस अपने थाने को लौट आई। वहीं व्यापारियों के जिला उपाध्यक्ष हर्षित अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मोट पुलिस अक्सर ऐसी गुंडई करती रहती है और आज फिर उसी गुंडई की पराकाष्ठा को लांघते हुए मोट पुलिस ने व्यापारियों पर लाठियां भांजी है। हम लोग जल्द ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बात करके ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे। अब देखना होगा कि क्या उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर यूं ही पुलिस की गुंडई जारी रहेगी। क्या नाम है आपका, क्या पद है? हर्षित अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल झांसी। क्या हो गया है? कल माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने मार्केट खोलने के लिए झांसी जिले में गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पूरे मार्केट 6 दिन खोले जाएंगे रविवार को छोड़कर। इसके अलावा जो शहरी मार्केट हैं उन्हें 3 जोन में बांटा गया है। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है, जैसे गाइडलाइन के देखते हुए मोट में मार्केट खुल गया था सुबह आज 8 बजे, तो आज दरोगा जी आए, पुलिस प्रशासन आया पूरा और मार्केट में डंडेबाजी होने लगी। तो इस तरह का ये सब नहीं होना चाहिए और जो गाइडलाइन आई है उसके तरह पूरा प्रशासन मार्केट खुला है। तो क्या गाइडलाइन यहाँ पर अधिकारियों पर तक नहीं पहुँचाएगी? अभी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई गाइडलाइन आई नहीं है, इसलिए हम मार्केट नहीं खुलवा सकते। और आज के अखबार में भी सभी गाइडलाइन दी गई है सभी अखबारों में, और कल न्यूज पर भी आई थी और सभी लोगों को पता है और सभी जगह के मार्केट खोले गए हैं। झांसी जिले के सभी जगह के मार्केट खुले हुए हैं, केवल मोट मार्केट में ही ऐसा हो रहा है। इस बारे में एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश की है, लेकिन ना तो वो फोन उठाते हैं। हमने 2 बार कल फोन किया था और उनके बंगले पर भी गए थे, लेकिन वो मिलने के लिए मना कर देते हैं।